everyone, welcome to sessions on environmental studies. I'm Dr. Shafila. So let's start with the first question of session 92. Question is, Taj Mahal at Agra may be damaged by, options are sulfur dioxide, chlorine, hydrogen and oxygen. So Taj Mahal Agra mein jo hai, wo kisse damage ho raha hai ya ho sakta hai? Dekho, Taj Mahal is made of marble. So marble is calcium carbonate. So calcium carbonate aapka definitely affect ho raha hai, but kisse ho raha hai, that you have to tell. Options are sulfur dioxide, chlorine, hydrogen, oxygen. So hydrogen and chlorine to nahi hai, oxygen nahi hai. Let's see chlorine ki agar hum baat kare. Dekho, chlorine aapka jo marble hai, that is calcium carbonate, theek hai? मार्बल के साथ व्हेन आपका क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड. सो कैल्शियम क्लोराइड इज एसिडिक, ठीक है? सो मतलब आपका जो है मार्बल को वो खराब कर रहा है क्योंकि वो मार्बल के साथ रिएक्ट कर रहा है. बट क्लोरीन जो है, अब हमें देखना है कि क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड में कौन एयर में ज्यादा है. वी डू हैव सर्टन गैसेस जिसमें क्लोरीन है इन एयर, ठीक है? वी डू हैव गैसेस, बट ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज की है एयर में? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड जब भी आप कोई फ्यूल बर्न करते हो, चाहे इंडस्ट्रीज में बर्न कर रहे हो, चाहे आपके व्हीकल्स में बर्न हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है? इवन नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स रिलीज हो रही है. सो जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है आपकी या नाइट्रोजन के अदर ऑक्साइड्स हैं, दे कंबाइन विद द वॉटर, जो आपका रेन वॉटर है वो उसके साथ कंबाइन करते हैं और क्या बना रहे हैं? एसिड्स बना रहे हैं, इधर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. सो देखो, यू कैन सी अ पिक्चर ऑन स्क्रीन, यहाँ पे मैंने लिखा है SO2 प्लस H2O वो आपका एसिड बन रहा है, या फिर NO2 प्लस H2O वो भी एसिड बन रहा है, ठीक है? दे कम डाउन विद रेन, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, क्लियर? ये जो एसिड है आपका, ये आपका मार्बल के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, जो कि आपके मार्बल को वो खराब कर रहा है, ठीक है? उसका कलर भी येलो कर रहा है, मतलब डायरेक्ट, मतलब वो बेसिकली डिटीरियोरेट कर रहा है मार्बल ऑफ ताजमहल को. कर क्लोरीन भी सकता है, ठीक है? अब हमें भैया कंपेरिजन बेसिस पे करना है कि दोनों में किसका ज्यादा इम्पैक्ट है. सो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारी एयर में मेजर पॉल्यूटेंट कौन है? ये इस लेक्चर, ये हम वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं, द मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? सो व्हेन वी कंपेयर क्लोरीन विद सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रही है, वो एसिड रेन के साथ नीचे आ रहा है एंड इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द मार्बल एंड डैमेजिंग इट, ठीक है? सो आंसर इज ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गैस लीक्ड इन भोपाल ट्रेजेडी. देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट वॉज एन केमिकल अ केमिकल एक्सीडेंट. इट हैपन ऑन 3rd December 1984 इन भोपाल, मध्य प्रदेश. तो ये जो था आपका गैस लीक ट्रेजेडी जो भी भोपाल में हुई थी, इट वॉज बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस. इस वहां पे भोपाल में 1984 वहां पे एक फैक्ट्री थी, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी, सेवन नाम का, SEVIN. सो पेस्टिसाइड बनाने के लिए वन ऑफ द इंटरमीडिएट जो वो लोग यूज करते थे वो आपका था ए जो ऑप्शन है, मिथाइल आइसोसाइन. सो वो उनको ऑब्वियसली अगर ये बना रहा है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट वॉज यूज टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, तो इसका मतलब उनके पास ये स्टोर की हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट. बट द पीपल, द वर्कर्स जो कि उस फैक्ट्री में काम करते थे, दे did not know about the impact of this methyl isocyanate gas. तो ये वहां पे tons of methyl isocyanate वहां पे store थी, because they had to use this methyl isocyanate for the formation of 7 pesticide, ठीक है? So methyl isocyanate because of human negligence, क्योंकि जो safety measures use करने थे उस factory में वो नहीं use कर पाए, जिसके कारण tons of methyl isocyanate leak होगी. And within 1 or 2 days, thousands of people, they were killed and lakhs of people, they injured. And even aaj bhi, even after 40 years, the impact of methyl isocyanate can be seen in generations. ठीक है? जो वहां पे नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, they have birth defects because of the impact of methyl isocyanate. अब ये methyl isocyanate है क्या? ये क्या करती है? It is a toxic as well as mutagenic gas. मतलब mutations कर रही है. जीन, आपके जो DNA है, उसको चेंज कर रही है, म्यूटेशंस कर रही है, ठीक है? सो ये आज जो आजकल नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पे, अभी भी इनफैक्ट किसी का लिप कटा हुआ है, किसी का नोज कटा हुआ है, सो
मतलब जनरेशन टू जनरेशन द इम्पैक्ट ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट कैन बी सीन. क्लियर? सो द गैस विच लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मिथाइल आइसोसाइनेट. डोंट कंफ्यूज इट विद द अदर ऑप्शन, पोटाशियम आइसोथियोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट या सोडियम आइसोथायोसाइनेट. ठीक है, सो थायोसाइनेट नहीं है, इट इज आइसोसाइनेट. क्लियर? सो आंसर इज ए. अच्छा, इसको हम एम आई सी भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इसका जो है दैट इज एम आई सी. बीओडी क्या है? ऑप्शन आर, इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वॉटर, इट यूजली लेस देन सीओडी, इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या ऑल ऑफ अबव. देखो बीओडी, दिस इज ट्रू कि ये बीओडी जो होती है ये है आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बट वॉट अबाउट द अदर टू ऑप्शन. ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस. अब बीओडी क्या है? देखो आपके पानी में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उनको डिग्रेड करने के लिए हमारे पास पानी में, गंदे पानी में स्पेशली, वी डू हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. तो नेचुरली आपके पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर रहे हैं आपके पानी में, या तो देखो या तो सीडिंग की जाती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या नेचुरली दे आर प्रेजेंट. सो बीओडी क्या है? ऑक्सीजन की डिमांड है विच इज रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वॉटर इन ऑर्डर टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक पॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन वॉटर. सो आपका जो गंदा पानी है उस गंदे पानी में जो ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स हैं उसको तोड़ने के लिए माइक्रोब्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्लियर? और हो सकता है वो नेचुरली प्रेजेंट है या हम लोग सीडिंग कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ताकि पानी में जो ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट है वो डिग्रेड हो जाए, दैट इज बीओडी. क्लियर? सो बीओडी की अगर हम बात करें, बीओडी मैंने अभी कहा कि पानी में जितना अगर ऑर्गेनिक मैटर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. सो अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करना है, मतलब उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए. ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वॉटर? यस वी कैन से, जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ही उनको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी. सो बीओडी अगर ज्यादा है दैट मीन्स पानी में ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है, तभी तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है. ठीक है, सो क्या ये लेस देन सीओडी है? बट लेट्स डिस्कस सीओडी क्या होता है. सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जो बीओडी है वो तो आपके माइक्रोब्स को जो ऑक्सीजन चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं. सीओडी आपका जो है दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो केमिकल रिएक्शंस को जो ऑक्सीजन चाहिए इन ऑर्डर टू डिग्रेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट. ठीक है, दोनों, सो ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी. तो केमिकल रिएक्शंस को जो ऑक्सीजन चाहिए तो दैट इज सीओडी. एंड केमिकल रिएक्शंस डेफिनेटली विल बी फास्टर, आर फास्टर देन बायोलॉजिकल रिएक्शंस. ठीक है, सो केमिकली जो आपका सीओ केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी देन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्लियर? तो क्योंकि वो फास्टर है, सीओडी सॉरी केमिकल रिएक्शंस आर फास्टर. सो बीओडी इज यूजली लेस देन सीओडी, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, बी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको ये अलग से एमसीक्यू भी आ सकते हैं. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बीओडी इट इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वॉटर. जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना ही पानी में आपका ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, दिस इज ट्रू. इट इज लेस देन सीओडी, अगेन ट्रू. इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ट्रू. ऑल ऑफ अबव इज द आंसर. ठीक है, सो डी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री. बीओडी एंड सीओडी रेशियो विल ऑलवेज बी. अब देखो अभी हमने बात करी है कि बीओडी जो है वो हमेशा कम है, सीओडी हमेशा ज्यादा है. अगर मैं रेशियो देखूं, मतलब बीओडी ऊपर है सीओडी नीचे है, तो सीओडी ज्यादा है ना, जो नीचे जो है अगर कुछ ज्यादा है नीचे, ठीक है, टर्म नीचे वाली टर्म ज्यादा है, डिनोमिनेटर हायर है, तो डेफिनेटली बीओडी कम है, डिनोमिनेटर इज हायर. सो डेफिनेटली आपकी जो रेशियो है बीओडी टू सीओडी इट विल बी लेस देन वन. ठीक है, सो आंसर इज बी, दैट इज लेस देन वन बिकॉज बीओडी इज ऑलवेज लोअर देन सीओडी. सो लास्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मेजर करती है? ऑप्शन आर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कैपेसिटी ऑफ इफेक्ट्स, या डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट. हम लोगों ने अभी बात करी कि बीओडी क्या है, पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए माइक्रोब्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए
उसको हम बोलते हैं BOD, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो आंसर इज डी. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. सो लर्नर्स, दोज हु आर डूइंग ईदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, इग्नू दोस्त इज देयर टू हेल्प यू आउट. We at IGNU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and we are also helping you for your exam through Exampedia. In IGNU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. You can reach us out for the more information on the number 7594939297 via call or WhatsApp. Thank you. See you in the next session.